तो हे गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आज की इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मी A3 के अक्टूबर अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे अक्टूबर मंथ खत्म होने वाला है, बट गाइस Xiaomi की तरफ से मी A3 डिवाइस के लिए अभी तक अक्टूबर की अपडेट रिलीज नहीं की गई है। किन वजहों से यहाँ पे अपडेट डिले किया जा रहा है एंड अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है, और दोस्तों इस अपडेट के करने के बाद आप लोगों के डिवाइस में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स एंड फीचर्स देखने के लिए मिल सकती है, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखते रहना, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार कि यहाँ पे अपडेट डिले क्यों किया जा रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर चल रहा है फेस्टिवल सीजन, एंड गाइस यहाँ पे फेस्टिवल सीजन की वजह से बेसिकली आप लोगों को अपडेट जो है वो डिले देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे काफी सारे यूजर्स के मन में डाउट होगा कि यार अपडेट तो अदर कंट्री से रिलीज किया जाता है, तो गाइस यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि अपडेट इंडिया से रिलीज की जाती है या फिर से अदर कंट्री से। बट मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे अदर कंट्री में भी जब फेस्टिवल देखने के लिए मिलती है तो गाइस यहाँ पे अपडेट जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है एंड यहाँ पे अपडेट रिलीज नहीं किया जाता, चाहे वो यहाँ पे MIUI की अपडेट हो या फिर सिक्योरिटी पैचेस अपडेट हो, अपडेट रिलीज नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, एंड यहाँ पे ये वजह निकल के आती है या फिर Xiaomi के कोई अदर प्रॉब्लम्स की वजह से अपडेट डिले किया जा रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है एंड अपडेट कब तक रिलीज हो सकता है। तो गाइज मी A3 के अंदर सितंबर अपडेट बेसिकली रिलीज जो की गई थी उसमें आप लोगों को कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला था। सितंबर की सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिली थी एंड यहाँ पे फोन के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया था, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया था एंड यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बग्स को फिक्स किए गए थे। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को काफी छोटा अपडेट फाइल देखने के लिए मिलता था, 36.63 MB की अपडेट फाइल देखने के लिए मिलती थी, तो आप लोगों को कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए नहीं मिला था। तो गाइस ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे अक्टूबर की अपडेट मिलने वाली है, आप लोगों को अराउंड यहाँ पे 200 MB के अंडर ही आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगी एंड यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी पैच इंप्रूव देखने के लिए मिलेगी, और गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ बग्स फिक्स किए जाएंगे, फोन के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किए जाएंगे एंड कुछ न्यू फीचर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो कि यहाँ पे अपडेट आने के बाद मैं आप लोगों को फुल रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकती। तो गाइस आप लोगों को अपडेट जो है वो यहाँ पे इसी हफ्ते में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोगों को यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।